बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं जी आप? उम्मीद है आप और आपके परिंदे ठीक होंगे इंशाल्लाह जी। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं, तो कल से बहुत से साथी मैसेज कर रहे थे जी, जो सीट शो करवाएं, उसकी पिक्चर शो करवाएं या उसकी वीडियो। तो मेरा तो प्लान था कि मतलब प्लांट से गुजारने के बाद उनको जब थोड़ी बहुत डस्ट भी रह जाती है, वो भी दूर होते हो जाती, तो मैं दिखाता। लेकिन एनी वेज, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सीड मैं आपको दिखाने लगा हूँ जी। और पैकेज वन में क्या क्या चीज़ें होंगी, पैकेज टू में और थ्री में क्या क्या चीज़ें होंगी, वो मैं आपको इसकी डिटेल्स में बता दूंगा। लेकिन वो क्या क्या चीज़ें मिक्स करनी है वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ जी। ले जी, मेरे साथ रहिएगा आप जनाब यार। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये माशाल्लाह से देखें, ये जी मसर हैं, देखें साबत मसर, ठीक है। ये जी माशाल्लाह से साबत मसर ये ऐड होंगे जी, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ये जी माशाल्लाह दूसरे नंबर पर ये कनेरी है, कनेरी का बीज देखें, ये माशाल्लाह बर्ड की ब्रीडिंग के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है और सर्दी के मौसम में ख़ास तौर पे कनेरी ऐड होगी इंशाल्लाह ताला। ये माशाल्लाह से जी साबत मूंगी है जो मैं लेकर आया हूँ, साबत मूंगी इंशाल्लाह ताला ऐड करनी है, देखें। और ये जी माशाल्लाह से ये भांग के बीज हैं, ठीक है, भांग के बीज ऐड होंगे जी माशाल्लाह। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह कुर्तम है जी माशाल्लाह, देखें आप अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुर्तम इंशाल्लाह ताला ऐड करेंगे दाने में। ये जी चावल है माशाल्लाह से, ठीक है जी, चावल ऐड होने हैं उसमें। इसके अलावा जी ये जौ हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा, ये देखें माशाल्लाह साफ़ सुथरे बिल्कुल, अभी ये उस प्रोसेस में नहीं गुजरे प्लांट में से भी। ये माशाल्लाह सफ़ेद ज्वार है जी माशाल्लाह, ये देख सकते हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जी ये जनाब अली मोठ है, साबुत मोठ, ये ठीक है, ये जी साबुत मोठ इंशाल्लाह ऐड करने हैं। ये लाल ज्वार है जी माशाल्लाह, ठीक है, लाल ज्वार ऐड करनी है। ये जी चीना है माशाल्लाह से, ठीक है, ये जी चीना हमने ऐड करना है दाने में। और ये जनाब अली काले चने हैं माशाल्लाह, देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये जी माशाल्लाह काले चने ऐड करने हैं जी। इसके अलावा जी ये है जी सरसों, अल्हम्दुलिल्लाह ये सरसों ऐड करनी है जी। इसके बाद जी ये है सोयाबीन माशाल्लाह से, ये देखें माशाल्लाह, ये सोयाबीन ऐड होनी है जी दाने में। और उसके अलावा जनाब अली ये बाजरा है जी माशाल्लाह, ठीक है, ये बाजरा ऐड होना है। इसके अलावा जी ये है मकई, ठीक है, ये माशाल्लाह मकई है जी जो दाने में ऐड करनी है। ये जी गंदम है माशाल्लाह, ये इंशाल्लाह ताला गंदम ऐड करनी है। ये सूरजमुखी इंशाल्लाह ताला सूरजमुखी ऐड करनी है। ये जी ग्रिट है, ये ग्रिट ऑप्शनल होगी। और ये सेब का सिरका जो ब्रैक कंपनी का जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, ये हमने यूज़ करना है। तो अब इसमें ये है कि पैकेज वन में कौन कौन से बीज होंगे, ठीक, कौन कौन सी होंगी इंग्रेडिएंट्स उसके, वो मैं इसकी देता हूँ डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। पैकेज टू में कौन कौन से होंगे और पैकेज थ्री जो में कौन कौन से होंगे, तो इंशाल्लाह ताला अगर इसमें कोई कमी बेशी, अगर अभी डस्ट वगैरह, चूँकि अभी तो इनकी डस्ट निकलनी है, ठीक है, और अभी इसमें मैंने वो जो सेब के सिरके को भी अभी इसमें ऐड करना है, अभी मेरी भाग दौड़ लगी हुई है, अभी भी मैं सुबह से भी डेली बेसिस में प्लांट की तरफ जा प्लांट वाले की तरफ जा रहा हूँ मैं। और इंशाल्लाह की बड़ी उम्मीद है कि कल रोज़ जुमेरात शाम को कमिटमेंट है उसकी, वो इंशाल्लाह प्लांट नसब कर देगा अल्लाह की रहमत से। तो दाने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो थे, जो मुझे सबसे अच्छे लगे मार्केट में, वो मैंने किया। और मैं अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह ताला दुआ कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला कि कभी भी क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ ना करूँ इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और अगर कोई मतलब कि किसी का रेट बढ़ भी जाता है तो वो मैं अपने प्रॉफिट में इसकी जो वेस्टेज है, ठीक है, इवन के मतलब कि बहुत से ऐसे ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं जो कि मैंने इसकी कॉस्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं की है, और मैंने खुद बियर की है, मैंने बिलीव मतलब अपने जो मेरा आटे में नमक के बराबर प्रॉफिट है मैंने उसको उसमें एडजस्ट किया है, ताकि मकसद सिर्फ कारोबार करना नहीं है, मकसद हॉबी को प्रमोट करना भी है यार, लोगों को सपोर्ट करना भी है, ठीक है। रोजी रोटी रब ने देनी है, पैसा सब कुछ नहीं होता, इज्जत बड़ी चीज़ होती है। अब आप दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मेरी इसमें इज्जत रखे, और इंशाल्लाह ताला मैं बेहतर से बेहतरीन सर्विसेज जो है ना वो मैं आपको प्रोवाइड करूँ, ठीक है। इंशाल्लाह ताला जी मैं बस निकल रहा हूँ फिर किसी मिशन पर, तो
इसलिए बस हो लिया चलिया मेरा वैसे ही है बना हुआ था। तो मैंने कहा यार वो अभी भाई मुझे इतने मैसेज कर रहे थे कि यार कुछ बताएं तो सही। तो चलें जी ये मैंने इस तरह से रखे थे ये, और मैंने कहा चलें भाइयों को बता दूंगा यार ये जो है ना ये चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जी मुलाकात होती है बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।